नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। चलिए दोस्तों, आज आपको एक बल्ब, एक पंखा, एक सॉकेट की वायरिंग करके बताते हैं कैसे आप अपने घर पर ही अपने कमरे में वायरिंग कर सकते हैं, एक बल्ब की, एक सॉकेट की, एक पंखे की। इसके लिए दोस्तों आपको 6 मॉड्यूलर बोर्ड की आवश्यकता होगी, जो कि आपके पास है। ये चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। इसको आप यहाँ से ओपन करेंगे इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से। चलिए दोस्तों पेज खोल लेते हैं। ये आपकी 6 एम्पियर सॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी, इसको इस तरीके से लगाएंगे। 6 एम्पियर स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, इसको भी ऐसे दबाएंगे, इस तरीके से दोस्तों लगाएंगे, इस तरीके से इसको यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। यहाँ यहाँ पर ऐसे आप उंगली रख के देखेंगे, बराबर होगी। इसके बाद यहाँ पर धीमे से इसको ऐसे दबा देंगे, ऐसे लग जाएगा। इसके बाद ये आप देखेंगे सीधा, ये आपका रेगुलेटर है, जो आपके आसानी से इसी तरीके से ये भी लगेगा। यहाँ पर रख के यहाँ से इसको थोड़ा दबा देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आप फटाफट पेंच खोल लेते हैं। दोस्तों इसमें बटन के नीचे साइड पर एक तार छील के डाला जाता है, जिसको जम्पर बोलते हैं, इस तरीके से एक तार छील के डालिए, इसको कस देते हैं। आप पंखे के ऊपर से दो तार आएंगे दोस्तों, पंखे के दो तार आएंगे, मानो मानो ये पंखे के दो तार आए हुए हैं, ये दो तार आए हुए हैं पंखे के ऊपर से। पंखे के पास से आप दो तार लेकर आएँ, तो एक तार को आप इस रेगुलेटर वाले पंखे के तार में जोड़ दीजिए, इस तरीके से ये पंखे का तार आपका जुड़ गया। एक तार अभी आपका बचा है, इसको आप यहीं रखिए, ठीक है। ये तार आपका पंखे को जुड़ गया, और ये जो रेगुलेटर है इसको आप इस साइड वाली बटन से करेंगे, तो इसी में आप इसको लगा दीजिए, इसको भी अच्छे से कस दीजिए। आपके होल्डर के बल्ब ये दो आए हुए हैं, बल्ब होल्डर, इसका भी आप एक तार बटन में, एक तार इसके ऊपर वाली बटन में, इसको ऊपर वाले में लगा दीजिए, इस तरीके से ये भी लग गया आपका। ये आपका ये वाली स्विच बची, इसमें भी ऊपर ये लगाइए। इसमें दोस्तों याद रखिए, जो जम्पर के ऊपर वाले में, इसके ऊपर वाले में जहाँ जो तार आएगा वो आप लगाएंगे, तो वो बटन उसी पॉइंट की हो जाएगी। आप बल्ब का लगाएंगे तो बल्ब का, ट्यूबलाइट का, जो भी हो वो आप जिस ऊपर वाले में जिसमें लगाएंगे वो आपका उसी का हो जाएगा। इसको आप सॉकेट की बटन बना लीजिए, इस बटन को सॉकेट की बटन। इस तरीके से ये वाली, अब आप धीमे से इसको ही पलटा के देख लीजिए। ये वाली बटन आपकी हो गई सॉकेट की, ये वाली बटन हो गई बल्ब की, ये वाली बटन हो गई आपकी पंखे की, ठीक है। देखिए इसी तरीके से ये बल्ब की, देखिए बल्ब का। अब आपका ये एक तार बल्ब का बचा है, एक तार ये पंखे का बचा है, दो तार ये बचे हैं ना, और एक आपका ये पॉइंट आपका भी कसना है। अब आप मेन लाइन जो लाएंगे आप MCV से या मीटर से डायरेक्ट, जो आपकी मेन लाइन आ रही है उसमें आपके दो तार आएंगे, जो ये दो तार आ गए, मेन लाइन के दो तार आ गए, जिससे आप बोर्ड में आप करंट देंगे, ये दो तार आ गए। इसमें दोस्तों ये जो दो तार आते हैं, इसमें एक तार को, ये जो आपने तार छील के डाला है, ये वाला तार, ये जो तार आपने छील के डाला, एक तार को आप फेस वाले को आप इसमें लगा देंगे, यूं नीचे वाले में, इसमें नीचे वाले में, और इसको भी आप अच्छे से कर देंगे। अब आपका एक तार ये बचा है,
तो जो आप पंखे का एक तार अभी आपके पास रखा था, ये रखा है, ठीक है, पंखे का, बल्ब के दो तार आए थे, तो आपका ये तार अभी एक रखा है, इसको और आपका एक तार छोटा सा टुकड़ा और ले लीजिए, इन तीनों, ये मेन लाइन का ये तार है आपका, इसका ये न्यूट्रल है आपका, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, न्यूट्रल को आप बोर्ड में ही अच्छे से इन सब को आप इस तरीके से जोड़ लीजिए आप बहुत अच्छे से ये, और इसके बाद इसको कट कर दीजिएगा, ये जो बचा है आप सॉकेट के न्यूट्रल में इसको दीजिए, ये जो तार था ये छोटा सा, इसको सॉकेट के न्यूट्रल में ये लगा दिया। सॉकेट में दोस्तों यहाँ पे एन बना होता है, यहाँ पर एन बना होगा, यहाँ पर आप आराम से दीजिए। अब इसको आप इस जगह पर अच्छे से टेप लगा दीजिए, इस पर आप अच्छे से टेप लगा दीजिए, जितना अच्छे से टेप लगाएंगे ये स्पार्क नहीं करेगा इसको। अब ये पंखे का जो ऊपर से तार आए थे, दो तार आए थे, एक तो आपका न्यूट्रल में लग गया, एक आपका ये रेगुलेटर में ऊपर की तरफ लगता है, इसमें भी आप टेप लगा दीजिए। अब आपका ये बोर्ड बनकर तैयार हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको अब बंद करते हैं, ये आपके पंखे के तार हैं, इसको धीमे से आप बंद कर लीजिए इस तरीके से। दोस्तों आपका ये बोर्ड बनकर तैयार हो गया 6 मॉडलर, जो आप अपने रूम के लिए आसानी से लगा सकते हैं। इस तरीके से आप इसको यहाँ से ये सब लगा लीजिए। दोस्तों ये जो मेन लाइन थी इसको हम बोर्ड में जोड़ देते हैं, जहाँ से हमको इस बोर्ड के लिए इस कमरे की लाइट लेना है। चलिए देखिए दोस्तों जोड़ दिया, अब हम देखते हैं इसी सॉकेट की, ये देखिए ऑफ ऑन, बोर्ड हमारा सही है। ये वाली बटन हमने बल्ब की लगाई थी, ये देखिए बल्ब भी आपका जला है, ये देखिए बल्ब भी जल रहा है, ये देखिए। और ये वाली स्विच आपके पंखे की है, जो आपके पंखे पंखा जब चलेगा तो इस बटन से चालू होगा और रेगुलेटर आपका कम ज़्यादा होगा, ये देख। दोस्तों बहुत ही कम समय में आप घर बैठे अपने वायरिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए दोस्तों बहुत ही कम समय में इसमें आप टेस्टर लगा के भी दे सकते हैं, ये देखिए लाइट इसमें जल रही टेस्टर में। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए वीडियो और कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहिए।